हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फटाफट इंग्लिश। मैं हूं स्वाति, आपके सामने आई हूं बहुत ही सारे नए टॉपिक्स और नए सेक्शंस के साथ। तो दोस्तों, पहले हम हमारी सेक्शंस और क्या सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में जानने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी काम करनी पड़ेगी, वो है सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, फटाफट इंग्लिश के सारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए विस्टम जॉब्स चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो ना ही फटाफट इंग्लिश और कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी टॉपिक के बारे में, आप हमारे चैनल के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं एंटोनिम्स, मतलब विपरीत अर्थ। हमने सिनोनिम के बारे में और एंटोनिम्स के बारे में हमारे विस्टम जॉब्स चैनल से बहुत ही सारे वीडियोस छोड़े हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में क्या फर्क होता है और कैसे देखते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सो दोस्तों, आज हम विपरीत शब्द के बारे में फटाफट इंग्लिश के वीडियो में देखने वाले हैं। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। इनके बेस पे बहुत ही सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैसेजेस में या कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस में भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, जैसे कि SSC CGL, जहाँ पे हम 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हैं, आंसर गलत हो जाता है, तो उसका 0.5 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होती है, क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कंफ्यूज्ड भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, फिकर मत कीजिए, जब फटाफट इंग्लिश यहाँ पे है तो आपको फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सारे टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये वाली विपरीत शब्द कैसे हम ढूंढेंगे ये वाले क्वेश्चन पे बेस्ड होके। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमको एंटोनिम्स खोजनी है, जो कि यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है जो ग्रेगेरियस है। उसकी बहुत ही सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और इसका हम एंटोनिम्स मतलब ये वाले शब्द का विपरीत अर्थ यहाँ पे एक शब्द है, तो हमें वो ढूंढना होगा। लेकिन बट बिफोर गोइंग इन टू द टॉपिक, वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गिवन ओवर हियर, विच इज ग्रेगेरियस। सो फ्रेंड्स, हियर देर इज अ वर्ड कॉल्ड ग्रेगेरियस। To understand the meaning, you should have a very good vocabulary strength. So don't worry, we are here to give you meanings of such kind of words. Gregarious means meeting with people, मतलब बहुत ही लोगों से बात करना, and you are very not inclusive, you are very exclusive actually. A exclusive person, मतलब बहुत ही joyful होना, और लोगों से बहुत ही हसमुख इंसान बोलते हैं, जो कि बहुत ही लोगों के साथ दूर ना रह के उनके बीच में मर्ज हो जाना और उनके साथ ही जीना, उसे ग्रेगेरियस बोलते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आप यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखे हैं, आपको द ओनली थिंग इज, ये क्वाली क्वेश्चन देखिए कितनी ईजी हो जाती है। जब इसकी मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियसली 4 ऑप्शन में आपको आंसर भी ईजिली पता चल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ऑब्वियसली अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जी हाँ, आपका ऑप्शन राइट आंसर है ए ऑप्शन, जो कि अनसोशियलेबल। ऑब्वियसली यहाँ पे बाकी 3 ऑप्शन है जो कि अनसिम्पथेटिक, अनग्रेटफुल, अनअट्रैक्टिव। अनसिम्पथेटिक मतलब जब किसी का कोई भी कुछ हो जाए, मतलब कब कोई, मतलब आपके दोस्त पर कोई नुकसान हो जाए तो वहाँ पे जाके जोक करना या सिंपथी ना दिखाना, वहाँ पे मतलब जाके कुछ मतलब ठीक है भाई होता रहता, ऐसा ना होके अनसिम्पथेटिक नेचर, उसका विपरीत, उसका ऑपोजिट होना, उसे अनसिम्पथेटिक बोलते हैं। अनग्रेटफुल, जब आपको कोई मदद करते हैं तो वहाँ पे आप उनको थैंक्स ना बोल के, या ग्रेटफुल मतलब उनको थैंक्स बोलना और उनको बहुत ही शुक्रिया बोलना, उसे ग्रेटफुलनेस बोलते हैं। लेकिन जब वो आप वहाँ पे ना दिखा के, वहाँ पे ग्रेटफुल ना होना, उसका ऑपोजिट अर्थ होता है अनग्रेटफुल। अनअट्रैक्टिव मतलब इतना भी अट्रैक्टिव ना होना और खूबसूरत ना होना, इसे अनअट्रैक्टिव बोलते हैं। जैसे कि खूबसूरत मतलब हमारी आउटर ब्यूटी ही नहीं, आपका स्पीच या कभी बात करना, ये सब कुछ भी अट्रैक्टिव स्पीच, ऐसे बोलते हैं। जब इसका ऑपोजिट अर्थ होता है वो है अनअट्रैक्टिव। सो ऑब्वियसली ये तीनों ऑप्शन आपके राइट ऑप्शन नहीं है। अनसोशियलेबल, अब देखिए ग्रेगेरियस का दूसरा मीनिंग होता है सोशियबल, मतलब सोसाइटी में
मिलजुल के रहना, सबके साथ बात करते हुए मिलजुल के हसमुख इंसान रहना, उसे सोशियबल पर्सन बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट होता है अनसोशियबल, मतलब ग्रेगेरियस का ऑपोजिट मीनिंग होता है अनसोशियबल। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने देखा कि हमने कितना इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो अगर आपको इन जैसे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना हो और फटाफट इंग्लिश के सारे वीडियोस को फॉलो करने के लिए विस्डम जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। धन्यवाद।